मक्खी बनाऊंगी। लेकिन ये पड़ोसन फिर से आ गए तो किचन विजन सब बंद कर देती हूँ, महक नहीं जाएगी वहां तक। खिड़की बंद हो गई, दरवाजा बंद हो गया। अब आ जाती हूँ, चलो अब खीर बनाती हूँ। चीनी सबसे पहले मैं ढूंढूंगी। टक 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 टक, क्या कोई घर पे है? ये तो मेरे पड़ोसन की आवाज है। सारे सामान जल्दी जल्दी रख देती हूँ। अरे कोई दरवाजा खोलो, कोई घर पे नहीं है। खोलो खोलो। अरे अब सस्ता ना सजाया सब, और मुझे अब दरवाजा भी खोलना पड़ेगा, वरना परेशान करके रख देगी ये। लगता है खीर बन गई है यहाँ पे, मैं क्या करूँ। और भाभी जी क्या बना रही थी आप? कुछ नहीं, बस करेले की सब्जी बना रही थी। करेले में से इतनी मीठी खुशबू कहाँ से आएगी? क्या बना रही है? कुछ तो नहीं। भाभी जी क्या आप खीर बना रही है? नहीं तो, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मैं करेला बना रही हूँ, तो फिर करेले में से इतनी मीठी खुशबू क्यों आएगी? अरे वो थोड़ी सी चीनी गिर रही थी और कुछ नहीं। सॉरी सॉरी, वो मुझे केसर और इलायची की महक आ रही थी। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, ऐसे जवाब क्या दूँ? ये तो मुझे फंसा रही है। क्या सोची है भाभी जी? कुछ तो नहीं। मम्मी पापा कह रहे हैं अगर खीर की कचौड़ी बन गई तो दे दो। हाँ बेटा खीर की कचौड़ी बनी है। हाँ आंटी क्या हो गया आपको? लेकिन सत्यानाश हो इस बच्चे का, आके थोड़ी पोल खोल दी, अब मुझे देना पड़ेगा। मेरे पूरी दिन भर की मेहनत खराब हो जाएगी। ये ऊपर वाले इस लालची पड़ोसन को भेज दे कहीं पे। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी दुखी क्यों हो? भाभी थोड़ा सा मुझे भी दे दिया, मैंने आज कुछ नहीं बनाया, मेरे बच्चे घर पे भूखे बैठे हुए हैं। लालची पड़ोसन अपना तो खुद से बनाना नहीं है, फिर मेरे घर आके मांगेगी। और तू राजू भाग यहाँ से। दे दीजिए भाभी जी। भाभी जी अच्छा हुआ आप मेरी पड़ोसन है, वरना मुझे इतने अच्छे पकवान कहाँ से मिलते, मुझे तो रेस्टोरेंट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। भाभी जी आप मजाक तो बहुत अच्छा करती हैं, आपको कॉमेडी शो में होना चाहिए। तुम ये ले जाओ और आधा क्यों पूरा ले जाओ ना, बच्चे पति तुम सब खाना, और साथ में रिश्तेदार को भी खिलाना। ओ भाभी जी आप कितनी अच्छी हैं। अच्छा मुझे जल्दी जल्दी लाइए, मैं जा रही हूँ। शुक्रिया भाभी जी। सत्यानाश हो इस औरत का।